बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव इंडिया के साथ मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। आपने देखा भाई, हाल ही में मैं बैंक का गया हुआ था, तो वहां पर देखा था मैंने बैंक वालों ने एक बंगाली भाई को बैठाया हुआ था। पकड़ा तो नहीं हुआ था जी, बैठाया हुआ था। किस मामले में कि उसके पास से 3 नोट जाली बरामद हुए थे, 100-100 रियाल वाले। तो पूछ कुछ हो रखी थी, मुझे जितनी की समझ आई, मुझे ये पता चल रहा था कि वो अंदर बोल रहा था मैं किसी वर्कशॉप में काम करता हूं, तो वहां से मुझको तो कोई देख गया, क्योंकि वो बैंक वाले उससे बोल रहे थे तूने किस एटीएम से लिए हैं, किस एटीएम से लिए हैं, किस सऊदी से लिए हैं, किस खारजी से लिए हैं, वो बंदा हमको बता, चल तेरे नहीं है। तो वो बोल रहा था कि मैं वर्षे में काम करता हूं, मुझको ऐसे कुछ दे गया। बस बात उनकी ये चल रही थी, मरूर अभी तक नहीं पहुंचा था, मरूर आने वाला था, उससे पूछ पूछ मजीद बढ़ेगी। उसके मुतालिक तो तफसील में नहीं जाऊंगा, ना ही मैंने भाई वहां पर तफसील में जाना बेहतर समझा भी। वहां से बैंक में गया था, मुझे काम था, मैं उधर से फिर घर अपने वापस आ गया। अभी बात कर लेते हैं इस वीडियो, इस न्यूज के मुतालिक। जो मेरे भाई सऊदी में रहते हैं बकाला वगैरह में, आपको पता है अक्सर मेरे केरला वाले भाई, बंगाली भाई, इंडियन या पाकिस्तानी भाई भी बकाला वगैरह चलाते हैं यहां पर, या अपने कोई भी और कारोबार चलाते हैं, ऐसे बंदों से मुख्तात रहें। यहां पर आपको मैं इस तरफ या इस तरफ वो वीडियो भी चलाकर दिखा रहा हूं। ये बंदा भाई हुक्कों वाली दुकान, जो सिगरेट वाली दुकान होती है, इसने एक सिगरेट का बड़ा पैकेट लिया है जी, और उसको 500 रियाल का नोट पकड़ाया। देखें आप, जब उसने पैसे काटे हैं, ये बोलता है इसने किसी बात को लेकर फिर उसके साथ शोर डालना शुरू कर दिया कि ये सिगरेट का पैकेट इतने का, तुम इतने का क्यों दे रहा है? तो उसने बोला इतने का ही है, तो उसने बोला मैं नहीं लेगा। वो बंदे ने 500 रियाल का नोट नीचे रख दिया था, जहां पर और नोट पड़े हुए थे, वहां से एक नोट उठाया, इसे दे दिया। इसने वो नोट चेक किया, हाँ ये बिल्कुल मुझे अभी ओरिजिनल मिल गया है, लेकर भाई रफू चक्कर हो गया है। और जो 500 रियाल का इसने नोट उस बंदे को दिया था, वो 2 नंबर ये चला गया है। उस बंदे ने अच्छे से चेक ही नहीं किया, चूना लगा गया 500 रियाल का। तो सऊदी अरब में ऐसे फ्रॉडिये भी हैं, इनसे मुख्तात रहें। तमाम तर गैर मुल्की जो यहां पर भाई कोई भी किसी किस्म की लेन देन या अपने कारोबार चलाते हैं।